me, cause I'm working on my energy. Cleaning up, I'm taking care of all myself and me. Drinking coffee, take a sip, they say I'm sparkling. Manifest, I write it down, you know it's happening. मुंबई का नाम सुनकर अक्सर हमारे मन में चार से पांच शब्द आते हैं, जैसे कि बॉलीवुड, हाजी अली, सिद्धिविनायक टेंपल और मरीन ड्राइव। और ये पूरे इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रीति यादव और आज हम जा रहे हैं सिद्धिविनायक मंदिर। तो सबसे पहले आप जहाँ पर भी रहते हो वहाँ से आपको ट्रेन लेनी है टिल दादर स्टेशन, और यहाँ से अब हम जाएंगे बाहर की तरफ। तो चलो चलते हैं। मैंने एक ना मिस्टेक कर दिया है, आपको ईस्ट में नहीं उतरना है, आपको वेस्ट में उतरना है। और यहाँ से आपको टैक्सी लेनी होगी और जिसका कॉस्ट होगा ₹25। अगर आप दो लोग हो ना तो डेफिनेटली टैक्सी लो, अगर एक लोग हो तो भी टैक्सी लेना, क्योंकि बस के लिए ना आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा और यहाँ तक आपको ₹10 लगेगा, वेरस ₹25 टैक्सी का होगा, विच इज़ अगेन अ वेरी नॉमिनल अमाउंट। और आप बहुत कन्वीनियंटली और आराम से पहुँच जाओगे सिद्धिविनायक मंदिर। तो हम जा रहे हैं, टैक्सी लेते हैं, चलो। फाइनली वी हैव रीच सिद्धिविनायक मंदिर। और आपको पता है कोविड के बाद से सब प्रोटोकॉल्स चेंज हो गया है। वायरस जब आप पहले आया करते थे तो यूजुअली लाइन हुआ करती थी और आप भी लाइन में जुड़ जाते थे, बट अब ऐसा नहीं रहा। अब आपको ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ेगा, तभी जाके दर्शन होगा। आपको बताती हूँ कि ऑनलाइन कैसे बुक करना है। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, डेट इज़ सिद्धिविनायक ऐप। और यहाँ पर जाके आपको सिद्धिविनायक ऐप ओपन करना होगा और आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, लाइक लाइव दर्शन, अपॉइंटमेंट बुकिंग, माय बुकिंग। तो आपको अपॉइंटमेंट बुकिंग में जाना है और फिर टर्म्स और कंडीशन को एग्री करना है। देन आफ्टर डैट आपको डेट्स के ऑप्शन आएंगे, आप डेट चूज़ करो और देन ओके, देन आप कितने लोग हो वो चूज़ करो, लाइक दो लोग ही होंगे वैसे तो, और देन टाइमिंग चूज़ करो आपको कौन सा स्लॉट टाइमिंग चाहिए, और देन कन्फर्म। सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर ही बहुत सारी दुकान मिलेंगे जहाँ से आप भगवान के लिए फूल चढ़ाने के लिए ले सकते हो और प्रसाद भी ले सकते हो। आपको पता है बप्पा को मोदक बहुत पसंद है, तो डेफिनेटली मोदक ज़रूर चढ़ाना। और यहाँ पर मूर्ति भी है, तो आप घर के लिए मूर्ति भी ले सकते हो। और आप यहाँ पर अपना चप्पल यहीं पर निकाल के रख सकते हो दुकान वाले के पास, वैसे अंदर भी रखा जा सकता है बट अगर आपको दुकान के सामने रखना है तो रख देना। तो अब बात करेंगे हम फन फैक्ट नंबर वन की। गणपति बप्पा के अनेक रूप है, उनमें से उनका लोकप्रिय रूप है सिद्धिविनायक। सिद्धिविनायक गणपति बप्पा का सबसे लोकप्रिय रूप है और उनके वो दिल के करीब है। वह गणपति बप्पा के जो नोज और सूंड मुड़ी होती है वो सिद्धिपीठ से जुड़ जाती है और इसीलिए उनका मंदिर का नाम सिद्धिविनायक पड़ा है। और आपको पता है जो भी सिद्धिविनायक आता है कोई खाली नहीं जाता है, यहाँ पर सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है और यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। लाइक आगे आपको खुद ही देखने मिल जाएगा कि कितनी एक्सट्रीम लेवल की भीड़ होती है। इवन दो सैटरडे है बट यहाँ पर ही हमें बहुत भीड़ देखने मिल रही है। वेल, आप भी आना और आप भी मन्नत मानना और आपकी मन्नत ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि कहा जाता है सिद्धिविनायक भगवान बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। गणपति बप्पा की वाइफ का नाम रिद्धि है और सिद्धि है, इसलिए सिद्धिविनायक में यहाँ पर दो गेट है जिसका नाम रिद्धि और सिद्धि गेट से पड़ा है। तो आज की हमारी एंट्री सिद्धि गेट से है। जब आप ऑनलाइन बुकिंग करोगे तो आपको गेट नंबर भी बता दिया जाएगा और हमारा गेट नंबर है 6, तो हम 6 गेट पे एंट्री लेंगे। हमने एंट्री ले लिया है और हमारा टिकट चेक नहीं हुआ, तो मैंने लोगों से पता किया तो लोगों ने बताया कि अब ऑनलाइन टिकट चेक नहीं होता है, आप डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते हो। तो पता नहीं ऑनलाइन सिस्टम की बुकिंग चालू करके क्यों रखा गया है। तो अब बात करेंगे हम फन फैक्ट नंबर 2 की। आपको पता है सिद्धिविनायक मंदिर की स्थापना कब और किसने की थी? वेल, अगर आपको पता है तो आप जाके कॉमेंट सेक्शन में बताइए।
तो सिद्धि विनायक मंदिर बेसिकली 19 नवंबर 1801 में हुआ था और इसकी स्थापना लक्ष्मण बितू एंड दुहीबाई पाटिल ने की थी। दुहीबाई पाटिल को कोई संतान नहीं हो रही थी तो इसी मनोकामना में इन्होंने यहाँ पर फंड करके एक सिद्धि विनायक टेम्पल बिल्डअप किया। तो उन्होंने इस मनोकामना से बनाया कि बप्पा सबकी मनोकामना पूरी करेंगे जिस वुमेन को बच्चे नहीं हो रहे हैं और कोई इनफर्टाइल ना रहे। वैसे आज है सैटरडे और आप देख ही रहे हो कि कितना क्राउड है, तो आप खुद ही सोच सकते हो कि लोग अपनी मनोकामना मांगने कितना यहाँ पर आते हैं दूर दूर से। हमने गेट नंबर 6 से एंट्री ले लिया है और बहुत लंबी लाइन लगी है और हम भी लाइन में जुड़े हैं। हम 2 साल बाद आ रहे हैं दर्शन करने, कोविड से पहले दर्शन हुआ था और बहुत ही एक अलग ही फीलिंग है। अब बात करेंगे हम फन फैक्ट नंबर 3 की। भगवान गणेश का हिंदुओं में बहुत महत्व है। मान्यता है कि प्रत्येक नए काम से पहले, नए जगह जाने से पहले और नई संपत्ति के अर्जन से पूर्व इनका पूजन अनिवार्य है। यही कारण है कि मुंबई के कई फेमस एक्टर्स जैसे कि अमिताभ बच्चन या क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर यहाँ अक्सर आते रहते हैं। मंदिर के अंदर चांदी से बनी चूहों की 2 बड़ी मूर्तियाँ मौजूद हैं। माना जाता है कि अगर आप उनके कानों में अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, वे संदेश भगवान गणेश तक पहुँचाते हैं। इसलिए ये धार्मिक क्रिया करते हुए आपको बहुत सारे श्रद्धालु मंदिर में दिख जाएंगे। वैसे आप भी अपनी इच्छा गणपति बप्पा तक पहुँचा सकते हैं। फाइनली हमारा दर्शन हो गया है और आप मेरे पीछे देख रहे हो गेट नंबर 2 वे टू एग्जिट से हमने एग्जिट ले लिया है। वैसे सच बोलूँ मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं वीडियो शूट कर पाऊँगी अंदर, बट फॉर्चुनेटली आज मेरे फेवर में थे गॉड और मुझे सारे वीडियो क्लिप्स लेने मिल गए। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर डैट। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ आफ्टर डैट वीडियो। तो अब हम जा रहे हैं, एक बाहर निकल रहे हैं और कुछ खाएंगे। अगर आपके पास समय कम है और आपको गणपति बप्पा का मुख दर्शन करना है तो आपको गेट नंबर 1 से एंट्री लेना होगा। दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही मन शांत हो गया। कहते हैं ना, जब तक भगवान बुलाते नहीं हैं तब तक आपके नसीब में दर्शन नहीं लिखा होता है। तो आज हमारे नसीब में लिखा हुआ था और आज फाइनली दर्शन हो गया। सो फाइनली वी हैव रीच दादर स्टेशन। हमने सिद्धि विनायक टेम्पल से टैक्सी लिया जिसका कॉस्ट है ₹25। प्लीज़ आप है ना कोई और टैक्सी मत लेना जो ₹80 बोलेंगे। आप प्लीज़ मीटर वाइज ही बैठना और ₹25 है तो ईजी हो जाता है डिवाइड करने में 2 लोग में। तो येस, वी हैव रीच दादर स्टेशन एंड फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू एंड द ब्लॉग एंड फ्रॉम हियर आई एम प्रेजेंटिंग माई बजट। सो बाय, टेक केयर।